प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 21 और 22 जून के समाचारों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा रंजना देसाई आयोग का संबंध किस विषय से है? रंजना देसाई आयोग का संबंध किस विषय से है? काफी जबरदस्त प्रश्न बनने वाला है यहां से। तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए परिसीमन कार्य करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। 24 जून को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। जम्मू कश्मीर का क्या भविष्य होगा चुनावों को लेकर इस बैठक का और परिसीमन इस बैठक का मुख्य विषय है। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अगस्त 2019 में यह अधिनियम पारित होता है। और इस अधिनियम के बनने के पीछे का कारण हमें पता है, पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में आतंकवाद का, हिंसा का जो वायरस फैलाया गया था, तो उसके लिए वैक्सीनेशन की आवश्यकता थी। तो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम उसी दिशा में उठाया गया एक कदम था। 31 अक्टूबर 2019 को ये कानून लागू हुआ और इस कानून के लागू होने से कुछ बदलाव आए, जैसे कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए में बदलाव किए गए। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अब इसमें बदलाव करके इसके जम्मू कश्मीर के विशेष संविधान, जम्मू कश्मीर के विशेष ध्वज और जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल नागरिकता के प्रावधान थे उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अनुसूची, संविधान की अनुसूची एक शेड्यूल वन में भी कुछ परिवर्तन किए गए। जो शेड्यूल वन है वो बात करती है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसमें परिवर्तन किया गया और भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब तक जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें दो नए और जोड़े गए, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख जो जम्मू कश्मीर से पृथक करके बनाया गया। 7 और 2 यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में बात करें तो भारत में कुल 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पीछे का कारण यह है कि दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश पृथक हुआ करते थे उन्हें अब एकीकृत कर दिया गया है। तो 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है और 28 भारत में राज्य है, अनुसूची एक में ये प्रावधान है। और इसके साथ हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए अब चुनाव की व्यवस्था कैसी हो, परिसीमन कैसा हो, यानी कि चुनाव का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए सीमा का निर्धारण कैसा हो, उसके लिए रंजना देसाई आयोग का गठन किया गया। हम परिसीमन आयोग के बारे में बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण आयोग है परिसीमन आयोग। जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन करने के लिए रंजना देसाई आयोग का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर के साथ 4 और राज्यों के लिए। और इसका कारण यह है क्योंकि इन 5ों के लिए अभी तक परिसीमन नहीं हुआ था। जो पिछला परिसीमन आयोग था 2002 में बना था, उसके तहत इन राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण नहीं हुआ था, इसलिए 2020 में इस आयोग का गठन किया गया। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना जो 10 साल के बाद होती है, भारत की संसद के द्वारा एक परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा। भारत की संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी और इसी एक्ट के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, भारत का प्रेसिडेंट क्या करेगा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति करेगा। और इसी के तहत हम देखते हैं 1952 में प्रथम परिसीमन एक्ट बनाया गया, उसके बाद 1962 में बनाया गया, उसके बाद 1972 में बनाया गया और उसके बाद 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। और इसी आयोग 2002 का जो परिसीमन आयोग था उसके तहत ही भारत के तमाम राज्य और लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था। लेकिन इन 5 क्षेत्रों का सीमा निर्धारण रंजना देसाई आयोग की सिफारिश के तहत किया जाएगा। परिसीमन आयोग के कार्यों पर बात करें तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी कि लोकसभा के लिए
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि राज्यों की विधानसभा के लिए और अनुसूचित वर्गों के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र होता है उनके लिए परिसीमन कैसे किया जाएगा, उनके लिए परिसीमन कैसे किया जाएगा। परिसीमन का सिंपल सा मतलब है भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीमा का निर्धारण करना। इसी कारण परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कह दिया जाता है, सीमा आयोग भी कह दिया जाता है। इसकी संरचना पर बात करें, परिसीमन आयोग की जो अध्यक्षता है वह सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करते हैं। तो कुलदीप सिंह 2002 के तहत उन्होंने अध्यक्षता की थी और जो अभी रंजना देसाई है वो भी रिटायर्ड ही जज है। इसके अतिरिक्त इनके मेंबर्स की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसके मेंबर्स होते हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो सुशील चंद्र है वो इसके मेंबर्स होंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में जो भी निर्वाचन आयुक्त है इसके मेंबर्स होंगे। इसके पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स को हम देखें, ये एक स्वायत्त या स्वतंत्र निकाय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत बनाया गया। इस आयोग के जो भी आदेश होते हैं वो कानून की तरह, जैसे भारत की संसद कानून बनाती है उसी तरीके से ये लागू होते हैं। किसी भी न्यायालय में इसके जो आदेश सिफारिशें होती है, किसी भी न्यायालय में इसके आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, परिसीमन आयोग की सिफारिश को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इवन यहां तक कि किसी भी राज्य की विधानसभा लोकसभा में भी इसके आदेश में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो ये परिसीमन आयोग के बारे में बात की, काफी इंपॉर्टेंट परिसीमन आयोग है। और हमने देखा रंजना देसाई आयोग है, उसके तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के जो चार राज्य उनके लिए परिसीमन का काम होगा। और जम्मू कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था उसके लिए 111 विधानसभा सीटें थी, लेकिन अब इस परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद 3 विधानसभा सीटें बढ़ेगी और 114 सीटें हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन पर बात करें, निम्नलिखित में से किस संगठन का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट है? तो ये है G7, G7 का प्रोजेक्ट है। और हमने देखा G7 की ब्रिटेन में हाल ही अभी बैठक हुई थी और उसी बैठक में इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया। इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित करने का जो कारण था वो कारण था चीन का जो OBOR है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसकी प्रतिक्रिया माना जा रहा है B3W प्रोजेक्ट, उसकी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट है चाइना का। इस प्रोजेक्ट के तहत ये क्या करता है, विकासशील देशों में जो पिछड़े देश है उनके आधारभूत ढांचे में इन्वेस्टमेंट करता है। G7 भी यही प्रोजेक्ट लेकर आया है, B3 प्रोजेक्ट, G7 द्वारा प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो विकासशील देशों का में आधारभूत जो संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए फाइनेंस पैसे उपलब्ध करवाना है। और हम देख रहे हैं कि अभी की जो दुनिया है उसके देखने के दृष्टिकोण 2 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण है उदारवादी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, जिसके नेतृत्व की बात करता है G7 अमीर देशों का समूह है, उसमें भारत भी शामिल है। भारत भी कहता है कि हम उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है वो चीन का दृष्टिकोण है, विस्तारवादी साम्राज्यवादी आक्रामक रवैया। तो इन दोनों दृष्टिकोण में प्रतिस्पर्धा हम देखते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना निःशुल्क टीकाकरण अभियान, 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क इसके अंतर्गत आते हैं, कब शुरू किया गया? तो भारत में जो टीकाकरण की पॉलिसी है, जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी है, उसको हम देखते हैं कि पांच सूत्रीय चरण में ये चलता है। कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए भारत सरकार 5 प्लान स्ट्रेटेजी के तहत काम करती है। उसमें हम देखते हैं कि पहले कोरोना का टेस्ट करो, फिर कोरोना को क्या करो, ट्रेक करो, फिर ट्रीट करो, इलाज करो, और इसके साथ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोरोना से संबंधित जो व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसे डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइजर करना, मास्क लगाना, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना को रोकने वाला जो कारगर कदम होगा वो होगा टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो हम वैक्सीनेशन पर बात करें,
वैक्सीनेशन पर बात करें तो भारत में वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है, टीकाकरण की शुरुआत है कोरोना के संदर्भ में 16 जनवरी 2021 में की गई, पहला चरण टीकाकरण का। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा 21 जून 2021। यह उत्तर क्यों होगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछ रहा है निःशुल्क टीकाकरण सभी वयस्क लोगों के लिए, तो इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को की गई। 16 जनवरी 2021 को प्रथम चरण वैक्सीनेशन का भारत में शुरू किया गया। और इस चरण में क्या था, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्स आते हैं, पुलिस फोर्स आती है, इन सभी का टीकाकरण किया जाना था। और दूसरे चरण की शुरुआत हम देखते हैं, जो द्वितीय चरण है वैक्सीनेशन का, उसकी शुरुआत 1 मार्च 2021 में हुई थी। और इसमें क्या किया गया, इस चरण में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा दिया गया 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए, प्लस में 45 से लेकर 59 वर्ष के वे लोग जो बीमारी से ग्रस्त है इस चरण में उनको शामिल किया गया। और हम देखते हैं कि तीसरे चरण को भी शुरू किया गया 1 मई 2021 में, टीकाकरण का भारत में तीसरा चरण शुरू हुआ। और इस चरण में क्या हुआ, 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति हैं उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई। लेकिन इन तीनों चरणों में हम देखते हैं कि टीकाकरण की जो रणनीति थी वो डिसेंट्रलाइजेशन थी, विकेंद्रीकृत थी, यानी कि राज्य अपने स्तर पर काम करेगा वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को खुद ही खरीदेगा और अपने नागरिकों को खुद ही लगाएगा, और इसके साथ केंद्र भी ये काम करता था। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें डिबेट शुरू हुआ और काफी प्रॉब्लम हुई, वैक्सीनेशन की कमी हुई, तो उसके बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, 21 जून को टीकाकरण के एक नए अभियान की शुरुआत की, और इसमें निःशुल्क टीकाकरण की बात कर दी। और हम ये देखते हैं कि भारत में जो अभी वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की जो वैक्सीन है उसमें 3 वैक्सीन को मिल गई अनुमति। पहली वैक्सीन की अगर हम बात करें तो कोवैक्सीन है जिसे बनाया है भारत बायोटेक ने, इसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है, भारत बायोटेक ने बनाया है कोवैक्सीन। इसके साथ साथ कोविशील्ड है जिसे बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसके साथ एस्ट्राजेनेका एक संस्था है उसने बनाया। और कोविशील्ड को भारत में जो उत्पादन करने का काम है पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, ठीक है, कोविशील्ड। और तीसरी जो वैक्सीन है स्पुतनिक रशिया की वैक्सीन है। तो ये तो रहा वैक्सीनेशन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट तथ्य। 22 और 23 जून को ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिज शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कि 22 और 23 जून को आज भी यह सम्मेलन चल रहा है, तो इस सम्मेलन की जो वर्चुअल मेजबानी है, आभासी मेजबानी है वीडियो के माध्यम से, वो भारत कर रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है इस पे बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन जो होता है उसे ही ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया से जिस हाइड्रोजन का निर्माण होता है, जिस ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन को क्या बोला जा रहा है, फ्यूचर का फ्यूल, भविष्य का ईंधन बोला जा रहा है। ये प्रश्न बन सकता है भविष्य का ईंधन किसे बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो परंपरागत फ्यूल ईंधन है उसका एक विकल्प बनकर सामने आ रहा है। इसके कुछ फायदे हैं, बेनिफिट है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या करता है, 0 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। दूसरी बात कि ये ज्यादा ऊर्जा को उत्पादित करता है और इसके साथ ये इको फ्रेंडली भी है। और ब्रिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये ब्रिक्स का एक सम्मेलन था, तो ब्रिक्स की बात करें तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स का नाम आते ही ये याद आना चाहिए, उभरती हुई यानी कि विकासशील से विकसित की दिशा में बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। इनके नाम से पता चल जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर्स हैं। और इसके स्थापना की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना को लेकर 2001 में एक व्यक्ति हुए हैं जिम ओनील, उन्होंने ये विचार रखा कि आने वाले समय में क्या होगा, ये जो देश है ब्रिक्स के देश ये बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आएंगे। और इसके साथ 2009 में
प्रथम सम्मेलन होता है ब्रिक नाम से, जिसमें चार देश शामिल होते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। रूस के यकतरीन वर्ग में यह पहला सम्मेलन होता है। और दूसरे सम्मेलन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है। और इससे क्या होता है, ये ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। और ब्रिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, वो याद रखना है कि ब्रिक्स ने अपना एक अलग से बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2014 में बनाया था ब्राजील में फोर्टालेजा घोषणा पत्र के माध्यम से। ये एक बैंक बनाया जो ब्रिक्स का अपना बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, हाल ही में किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है अंगटाड, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण एजेंसी। वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हमने पढ़ा कि ये दोनों जो है वे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत बनी संस्था है, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में बना था। और एशिया विकास बैंक भी है। अंगटाड के बारे में बात करें तो इसने अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों के बारे में बात करें तो भारत में FDI जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, $64 अरब रहा है, अमेरिकी डॉलर 2020 में रहा है। और इस हिसाब से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला भारत देश बन गया है। और भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आया है वो है ICT उद्योग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में, यानी कि भारत में ये उद्योग है जो सबसे बड़ा उभरता उद्योग नजर आ रहा है। और FDI से क्या फायदा होता है, FDI से फायदा होता है कि अगर जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है और कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को हमें पटरी पर लाना है तो FDI काफी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो FDI से एक तो आप रोजगार मिलेगा देश में। इसके साथ हम देखते हैं प्रौद्योगिकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो काफी कुछ फायदे FDI के हैं। अंगटाड पर बात करें, संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार विकास सम्मेलन की बात करें, 1964 में इसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के साथ ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि कौन सी संस्था फाइनेंस करती है, पैसे लगाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान के जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ल्ड बैंक जो है इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा रही है, वित्त कर रही है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। कोरोना को देखते हुए राजस्थान के लिए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पे लाना है तो। राजस्थान में इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें, 26 जुलाई 2018 को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और ये प्रोजेक्ट जो है मार्च 2024 में पूरा होगा। इस पर कितनी लागत आएगी, तो 202 करोड़ की इसमें लागत आएगी और इसका ज्यादातर हिस्सा वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पर्पस, उद्देश्य पर बात करें तो पहला मुख्य पर्पस इसका है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना, जो वित्तीय मैनेजमेंट है उसको मजबूत करना। इसके साथ साथ व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे राजस्व के स्रोत को बढ़ाया जा सकता है, इस परियोजना के उद्देश्य हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित अन्य प्रोजेक्ट राजस्थान में भी चल रहे हैं, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, इसके साथ राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना भी चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रहेगी स्थिर कीमतों पर। तो वृद्धि दर जो है वो माइनस में जाने वाली है, नकारात्मक रहने वाली है, -6.61% रहने वाली है। थोड़े अर्थव्यवस्था के, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के डाटे पर बात करें तो राजस्थान का जो राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है वो 2 पॉइंट से निकाला जाता है, एक स्थिर कीमतों पर निकाला जाता है और स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष है वो है 2011 और 12, दूसरा निकाला जाता है प्रचलित कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर ग्रोथ 2020-21 में -6.61% रहने वाली है। प्रचलित कीमतों पर बात करें तो
वृद्धि दर जो है वो भी -4.11 में रहने वाली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। और इसके साथ स्थिर कीमतों पर जीडीपी की बात करें, जीडीपी की बात करें तो 6,43,222 करोड़, और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 9,57,912 करोड़ का जीडीपी टोटल भारत राजस्थान का है। समाचारों की सुर्खियों में रही लॉरेल हबर्ड कौन है, तो लॉरेल हबर्ड पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनने वाली है। और ट्रांसजेंडर का सिंपल सा मतलब होता है कि जन्म के बाद व्यक्ति को अपने शरीर और अपनी रूह, अपने शरीर और अपनी आत्मा में एक रूपता नजर नहीं आती है। और वैज्ञानिक पॉइंट से हम बात करें तो जो उसका शरीर है और उसके शरीर के जो आंतरिक हिस्से में हार्मोन चल रहा है उसमें एक हम देखते हैं साम्यता नहीं होती है, तो वो ट्रांसजेंडर की स्थिति में होता है। तो लॉरेल हबर्ड पहली एथलीट होगी ट्रांसजेंडर जो ओलंपिक में भाग लेगी, ओलंपिक में भाग लेगी। न्यूजीलैंड की है ये, न्यूजीलैंड की है। वेट लिफ्ट भारोत्तोलन 87 किलोग्राम की श्रेणी में वेट लिफ्ट खेलेगी। भारत में ट्रांसजेंडर के लिए कुछ विधि कानूनों की बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत सरकार 2014 में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले जो दस्तावेज होते थे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसमें केवल मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री का ही लिंग का दर्जा होता था, लेकिन थर्ड जेंडर का दर्जा इस बात के बाद आ गया। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 संसद ने बनाया और इस कानून के तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में इनकी नौकरियों को जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। अनुच्छेद 15 भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, रोकता है। अनुच्छेद 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता की बात करता है, दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और इसके साथ एक गंगा कुमारी जालौर राजस्थान की निवासी है, गंगा कुमारी जो देश की पहली ट्रांसजेंडर है पुलिस में भर्ती होने वाली, पुलिस को ज्वाइन करने वाली, कांस्टेबल परीक्षा पास करके गंगा कुमारी। एम योगा ऐप को किसने विकसित किया, एम योगा ऐप को किसने विकसित किया, तो एम योगा ऐप को विकसित करने वाले है भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको विकसित किया था। एम योगा ऐप 21 जून 2021 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम योगा ऐप को लॉन्च किया था। और इस ऐप का उद्देश्य जो है वो लोगों को योग के बारे में प्रशिक्षित करना, अलग अलग भाषा में प्रशिक्षित करना, जितने भी योग के रूप है उससे रूबरू करवाना लोगों को। और हम देखते हैं कि भारत में योग दर्शन का जनक रहा है भारत, और भारत में जो षड दर्शन की परंपरा रही है उसमें एक योग दर्शन भी है। और योग दर्शन के प्रतिपादक की बात करें महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि भारत में योग दर्शन के प्रतिपादक हुए हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में बनाया गया, भारत सरकार के एफर्ट के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने की घोषणा कर दी। और सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, सांस्कृतिक अचीवमेंट है, यानी कि हम कल्चरल डिप्लोमेसी में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि योग के जो लाभ है वो बहुत स्तर पर है, बहुआयामी लाभ है। स्वास्थ्य का तो लाभ है ही, इसके साथ हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी का लाभ है, आध्यात्मिकता का लाभ है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं संस्कृति से जुड़ा हुआ इशू है, और अब तो ये अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पार्ट भी बन रहा है। इनमें से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का मेंबर नहीं है, भारत SCO का मेंबर है, पाकिस्तान भी SCO शंघाई सहयोग संगठन का मेंबर है, चीन भी मेंबर है, अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। और शंघाई सहयोग संगठन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। और शंघाई सहयोग संगठन की हम बात करें तो 1996 में शंघाई 5 एक संगठन बनाया गया 5 देशों के द्वारा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इसमें शामिल थे। इसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा और SCO की स्थापना 2001 में होगी। भारत
और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बने 2017 में। तो संघाई सहयोग संगठन जो है वो आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से काम करता है, इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। और ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, ये मध्य एशिया के महत्वपूर्ण देश है। अब हम बात करते हैं वन लाइनर समसामयिकी पर। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे और ये हसन रूहानी का स्थान लेंगे। और ईरान के बारे में बात करें, भारत के लिए काफी इंपोर्टेंट देश है ईरान, इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि हम कच्चा माल क्रूड ऑयल यहां से मंगवाते हैं। इसके साथ यहां का एक जो बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, इस पर हमने काफी कुछ पैसा लगा रखा है। चाबहार बंदरगाह में हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस तो मनाया ही जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड म्यूजिक डे क्योंकि संगीत का अपना महत्व है, कोरोना के पीरियड में हमने देखा कि संगीत एक थेरेपी, एक स्वास्थ्य उपचार के रूप में उभरा है। और भारत के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो स्वास्थ्य के लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। और दिल्ली सरकार ने 2019 में हैप्पीनेस थेरेपी की शुरुआत भी की थी। विश्व ऊंट दिवस 22 जून को मनाया जाता है, और हम देखते हैं कि राजस्थान में भारत का सबसे ज्यादा जो ऊंट पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान का राज्य के पशु भी ऊंट है। और इसके अतिरिक्त चिंकारा भी राज्य के पशु की श्रेणी में आता है। चिंकारा 2014 में राज्य के पशु का दर्जा दिया गया ऊंट को। और राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान परिषद भी है। और इसके साथ दुनिया का एकमात्र कैमल फेस्टिवल जो है वो बीकानेर में ही होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ऊंट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक है, इनका नाम हम बार बार सुनते हैं। और इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है कोरोना को लेकर, कि कोरोना को लेकर एक बहुत बड़ी दीर्घकालीन अप्रोच होना चाहिए, 5 साल की दृष्टिकोण हर सरकारों को लेकर चलना चाहिए। और ये एक बड़ी अचीवमेंट की बात है कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन। और सौम्या स्वामीनाथन का एक और परिचय मैं दे दूं, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन की सुपुत्री है। एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक रहे हैं। जेनेवा शिखर सम्मेलन यूएसए रूस के मध्य यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक शिखर सम्मेलन हुआ। इनके बीच में जो टकराव तनाव है उनको खत्म करने के लिए अभी पिछले ही दिनों में। क्लास को हम विराम देते हैं महान कवि मोहम्मद इकबाल की इन पंक्तियों के साथ, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुझसे ये पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, जय हिंद जय भारत।